राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती स्वप्न देख रही होती हैं श्रीनिवास के साथ अपना विवाह होते हुए, और राजकुमार बासु कहता है स्वप्न में ही, ये तुम्हारा आखिरी अवसर है बहना, मेरी बात मानो, इस विवाह को इसी क्षण रोक दो। ये श्रीनिवास जितना भोला दिखता है ना, उतना ही ध्रुत है, तुम पता नहीं इसका छल देख क्यों नहीं पा रही हो, विवाह के पश्चात तुम्हें समझ में आएगा। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, केवल तुम्हें इस विवाह से आपत्ति है वासु, तुम श्रीनिवास के विषय में क्या सोचते हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और कहती है राजकुमारी पद्मावती, राजकुमार वासु से मेरा और श्रीनिवास का विवाह होकर रहेगा। और फिर राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास के जयमाला डाल रही होती हैं, और तभी राजकुमारी पद्मावती की सखियां कहती हैं, राजकुमारी, और तभी राजकुमारी पद्मावती स्वप्न से जाग जाती हैं और कहती हैं, सखियां पहले तो खुले नेत्र से स्वप्न देखती थीं, अब मनी मन मुस्कुरा रही हैं, आखिर किस विचार में खोई हुई है राजकुमारी। और तभी दूसरी सखी कहती है, किस विचार में नहीं माला, किसके विचार में खोई हुई है ये पूछो, तुम्हें स्वयं ही उत्तर मिल जाएगा। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, प्रसन्न होकर उचित कहते हैं लोग कि हमारे मित्र ही ना हमारा कोई भी कार्य ठीक से नहीं होने देते, तुम दोनों भली भांति जानती हो कि मेरे मन में किसका विचार है, किंतु फिर भी तुमने मेरा स्वप्न भंग कर दिया। और तभी सखी कहती है, भूल हो गई। और फिर कहती है सखी, किंतु अब बता भी दीजिए कि किसके ख्यालों में थी। और फिर राजकुमारी पद्मावती प्रसन्न होकर कहती हैं, और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास राजमहल में अतिथि स्वीकार कर रहे होते हैं, और तभी गोविंद राज देख रहे होते हैं श्रीनिवास को और कहते हैं, ये देखो उसे यहाँ ऐसे पंद्र के चयन करता बनकर मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर की है, इसलिए आदर स्वरूप मेरी ओर से ये भोज स्वीकार कीजिए। और फिर सभी भोजन करते हैं और श्रीनिवास गोविंद राज को दिखा रहे होते हैं भोजन खाते हुए, और कहते हैं, श्रीनिवास क्या बात है, इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने आज तक कभी नहीं चखा, आनंद आ गया। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, वैसे राजन कितनी प्रसन्नता हो रही होगी ना आपको, जितने समय से आप इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अंततः वो क्षण इतने निकट आ गया, आपकी पुत्री राजकुमारी पद्मावती जो हमारे राज परिवार का हिस्सा बन सके। और फिर महर्षि भृगु कहते हैं महाराज आकाश से, मुझे लगता है राजन आज बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी थे जो योग्य थे, और मैं आशा करता हूँ कि कल हमें और भी श्रेष्ठ प्रतियोगी देखने को मिलेंगे। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, यदि पद्मावती का स्वयंवर संपन्न हो जाता है तो इसका सारा श्रेय मैं उसके भाई कुमार वासु को दूंगा। और फिर राजकुमार वासु कहता है, धन्यवाद पिताश्री, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि इस स्वयंवर में कोई समस्या उत्पन्न ना हो, और उसके लिए पूर्ण प्रयास भी कर रहा हूँ। और राजकुमार वासु श्रीनिवास की ओर देख रहे होते हैं और फिर कहते हैं, श्रीनिवास तुमने तो अभी इतने सारे व्यंजन चखे भी नहीं है, खाओ। और गोविंद राज देख रहे होते हैं और फिर राजकुमार वासु कहता है, किंतु हाँ ध्यान से, वो क्या है कि तुम्हें अभ्यास नहीं है ना ऐसे राजभोग का। और कहता है, अरे स्वभाव में नहीं है ना, तो कोई समस्या ना उत्पन्न हो। और फिर तभी श्रीनिवास कहते हैं, वैसे स्वभाव में तो मेरे साक्षात राजन का आमंत्रण है, ऐसा सम्मान ऐसा अतिथि सत्कार भी नहीं है, किंतु अवश्य ही मैंने कोई पुण्य किए होंगे तो तब जाके आज ये समय आया है। और कहते हैं श्रीनिवास, वैसे कितना विचित्र जीवन है ये, क्या क्या होता है इस जीवन में। और बताते श्रीनिवास, एक ऐसा समय था जब मेरे हाथ का भोजन आपको अच्छा नहीं लगा था राजकुमार वासु, आप वहीं छोड़कर कुछ बातें कहकर चले गए थे। और फिर तभी राजकुमार वासु स्मरण करता है उसी पल को, राजकुमार वासु ने कहा होता है, ये भोजन है या विष, इसी पर मैं परसे हुए भोजन का अपमान नहीं करना चाहता, परंतु आज भोजन मुझसे ये ग्रहण नहीं होगा। राजकुमार वासु को स्मरण आ जाता है और फिर श्रीनिवास कहते हैं, आज आप भी मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं, क्या बात है, आपका मैं आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार।
और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती की सखियां राजकुमारी के समक्ष जाती हैं और राजकुमारी पद्मावती से कहती हैं, आज के स्वयंवर को तो देख के ये प्रतीत होता है कि श्रीनिवास तो सर्वश्रेष्ठ नर्तक है। वो इस स्वयंवर में सभी राजकुमारों को चुटकी बजा के सबको पराजित कर सकता है और आपसे राजकुमारी पद्मावती विवाह कर सकता है। और फिर राजकुमारी पद्मावती ये सुन के अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और अपनी सखी से कहती हैं, मुझे भी यही लगता है रत्ना। और राजकुमारी पद्मावती स्मरण करती हैं श्रीनिवास को और कहती हैं अपनी सखी से, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि श्रीनिवास ने मुझे ये पुष्प देकर मुझ पे विश्वास रखने को क्यों कहा। और तभी माला कहती है सखी, बस एक समस्या है। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, समस्या? कैसी समस्या? और फिर सखी माला कहती है, स्वयंवर के पश्चात श्रीनिवास से छुप छुप के मिलने का आनंद तो समाप्त हो जाएगा ना। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है प्रसन्न होके, हाँ उचित कहा तुमने। और कहती है राजकुमारी अपनी सखियों से, मुझे श्रीनिवास से मिलना है स्वयंवर से पूर्व। और कहती अपनी सखियों से, ज्ञात रहे कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और फिर सखियां कहती आप चिंता मत कीजिए, कार्य हो जाएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती कहती है, मुझे विश्वास है श्रीनिवास कि तुम मेरा ये स्वप्न अवश्य पूर्ण करोगे और शीघ्र ही हम दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज आकाश कहते हैं श्रीनिवास से, ऋषि भृगु ने अपना मत दे दिया, अब तुम्हारा क्या कहना है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, देखिए ऋषि भृगु मुझसे अत्यंत बड़े हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं, राजपुरोहित हैं इस राज्य के और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर उन्होंने कुछ कहा है तो अवश्य ही उसके पीछे कोई कारण होगा, समय के साथ हम सभी को ज्ञात हो जाएगा। और फिर भी अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं और मैं सत्य कहूँ तो जितना मैंने देखा उसके अनुसार मुझे नहीं लगा कि कोई भी व्यक्ति जो मैंने देखा जो राजकुमारी पद्मावती के लिए योग्य है, मुझे नहीं लगा कि ऐसा कोई व्यक्ति था वहाँ जो नृत्य की कसौटी पे खड़ा उतरा है। और फिर तभी गोविंद राज देख रहे होते हैं और कहते हैं, हे महादेव, जिस बात का भय था अंततः हुआ वही, ये श्रीनिवास ऋषि भृगु की बात क्यों काट रहा है, क्या समझाऊं मैं इसे, क्या कहूं मैं इसे। और फिर तभी महाऋषि भृगु कहते हैं श्रीनिवास से, राजा का कार्य होता है सर्वप्रथम राज्य चलाना और उसके अंदर वो गुण होने चाहिए जो उसे शोभा दें, जैसे कि राजनीति, कूटनीति, अर्थशास्त्र, हाँ अगर इन सब के साथ अगर उसे नृत्य आता हो तो अच्छा होगा, क्योंकि नृत्य मात्र एक कला है, यदि किसी कारणवश उसे नृत्य नहीं आता तो इसका कारण ये नहीं हुआ कि वो एक कुशल शासक और एक अच्छा पति नहीं बन सकता। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, तर्क तो उचित है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं महाराज आकाश से, निसंदेह उचित है। और गोविंद राज भी देख रहे होते हैं और फिर श्रीनिवास कहते हैं आगे, नृत्य मात्र एक कला है और नृत्य देख के बताया नहीं जा सकता कि कौन योग्य वर होगा, मैं मानता हूँ, किंतु साथ ही में हम ये बात भूल नहीं सकते कि राजकुमारी पद्मावती की बात मानकर आपने ही स्वयंवर में नृत्य की प्रतियोगिता रखी है, अब स्वयंवर में चयन ही होगा नृत्य देखकर, अब नृत्य को थोड़ा सम्मान तो देना चाहिए ना। और फिर महाराज आकाश से सुनकर कहते हैं ऋषिवर, तर्क श्रीनिवास का भी सही है। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, मैं इस विषय में और तर्क वितर्क करके समय को नष्ट नहीं करना चाहता हूँ, हमारे पास कल का दिवस है ना, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल हमें हमारी राजकुमारी के लिए योग्य वर अवश्य मिल जाएगा। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि राजकुमारी को एक श्रेष्ठ वर मिले, उनके लिए सब कुछ शुभ हो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं, राजन इस अतिथ्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु मुझे जाना होगा, कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, आज्ञा दीजिए। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, ठीक है, किंतु कल स्वयंवर आरंभ होने से पहले आ जाना। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, अवश्य आ जाऊंगा। और फिर तभी राजकुमार वासु
सोच रहा होता है हो ना हो श्रीनिवास तिथि परिवर्तित करने का प्रयास अवश्य करेगा। मुझे इस पे दृष्टि बनाई रखनी होगी। और फिर श्रीनिवास सभी से आज्ञा लेकर जा रहे होते हैं और तभी राजकुमार बासु कहता है, रुको श्रीनिवास, और कहता है सत्कार अभी पूर्ण कहाँ हुआ है जो तुम ऐसे ही चल दिए। तो मित्रों ऐसे ही आगे आप और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।